बाकी ये है कि हम लोगों ने इसकी सारी सेटिंग कर ली है। एक तो ये है कि यहाँ पे हमने स्क्रीन वॉल एक लगा दी है सेंटर में, उसके बाद ये इंजेक्शन जो है ये भी हमने रख दिए हैं इसके अंदर। दीज आर द डाई इंजेक्शन, जहाँ से डाई जो पास होगा इसके नीचे से, उसके बाद ये सारी हमने सेटिंग फिलहाल कर दी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फिल द वाटर इन द स्ट्रीम। सो फॉर द फिलिंग दिस वी नीड टू टर्न ऑन द मोटर। सो ये बटन है जहाँ से हम मोटर जो है वो टर्न ऑन कर सकते हैं। इस बटन से ये मोटर जो है हमने ऑन कर दिया। इसमें एक्चुअली स्पीड जो है काफ़ी हाई है, स्पीड को थोड़ा स्लो करने के लिए मैं ये बॉल इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि हमें जो है वो यहाँ पे स्लो लाइन से रीडिंग उसकी आ जाए। स्पीड को मैंने स्लो कर दिया, स्लोली स्लोली ये फिल हो रहा है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इसका जो है ये चेंज हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने देखना है कि इसका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितनी तेज़ी से चेंज होगा, ये आप देख रहे हैं ये हेड जो है चेंज हो रहा है राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड। उसके बाद ये देखते हैं आप टैंक जो है वो स्लोली स्लोली मूव कर रहा है, पानी भर रहा है। इट विल टेक सम टाइम। हियर यू कैन सी द वाटर इज फ्लोइंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द अपस्ट्रीम, बट हियर वाटर इज टेकिंग सम टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। इसके बाद पानी हमने वी नीड टू मेक श्योर के जो ग्रेवल का जो लेवल है उसे अराउंड अबाउट 250 मिलीमीटर पे ये वाटर जो है वो होना चाहिए। तो अराउंड अबाउट 2 सेंटीमीटर तक जो है वो हमारे पास आ चुका है पानी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी विल टर्न ऑफ दिस एंड देन वी विल ऐड सम डाई और इंजेक्शन एट द टॉप ऑफ इट। नो वी विल टर्न ऑफ दिस, वी हैव टर्न ऑफ दिस पंप, देन नाउ वी विल ऐड दिस डाई एट द टॉप ऑफ इट राउंड अबाउट 200 mm। तो ये हमने ऐड कर दिया इस तरह। उसके बाद जो है वो हमने ये सारी जो फ्लो लाइंस हैं ये तीनों हमने अभी बंद की हुई हैं। जो ही हम इसको ऑन करेंगे यहाँ से डाई जो है फ्लो करना शुरू कर देगा दूसरी तरफ। सबसे पहले देयर आर टोटल 3 फ्लो लाइंस, सो आई वुड लाइक टू ऐड ऑल 3 ऑफ देम वन बाय वन। This one is already installed properly, the other one is also installed, and third one I will install at the other side. So here you can see we have successfully installed these 3 flow lines. उसके बाद हम लोग इसका डाई जो है उसको ऑन करेंगे तीनों फ्लो लाइंस में। सो ये आप नोट कर लें, यहाँ पे इसका डाई भी ऑन कर दिया हमने और इसका डाई भी ऑन कर दिया है और इसका डाई भी ऑन कर दिया है। ये आप देखेंगे जो डाई है यहाँ से स्लोली एंड स्टार्ट ग्रेजुअली इट स्टार्टेड मेकिंग फ्लो नेट्स। सो ये यहाँ से पास होके ये स्क्रीन के नीचे से ये पास होके दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाएगा। दीज आर एक्चुअली द फ्लो नेट्स। ये आहिस्ता आहिस्ता एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि हमारे पास ये इसकी जो कंपोजिशन है वो ग्रेवल है, देयरफॉर द इंक इज मूविंग वेरी फास्टली।
सो अगर हमारे पास ये क्ले होगी तो ये डेफिनेटली बहुत स्लोली राउंड अबाउट 1 or 2 hours क्ले में लगते हैं ट्रैवल करने के लिए एक जगह दूसरी जगह। ये आप देख सकते हैं कि वो बड़ी स्पीडली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही है। वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेशर हेड। यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है और वहाँ पे प्रेशर कम है, उस वजह से ये एक जगह से दूसरी तरफ मूव कर रहा है। सो अगर आप थोड़ा सा क्लोजली इसको दिखाएं तो ये बेसिकली एक फ्लो नेट्स बन रहे हैं इसके अंदर, जो कि पोरस मीडिया के अंदर पोर्स की वजह से फ्लो नेट्स बनते हैं। और इसका बेसिकली जो है वो स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये इसके जो नेट्स बनते हैं इसका स्ट्रक्चर सैंड के लिए, ग्रेवल के लिए और क्ले के लिए डिफरेंट है सबके लिए। तो ये आप देख रहे हैं बड़ी स्पीडली पानी एक जगह से दूसरी जगह ये स्क्रीन के नीचे से पास हो रहा है। सो इस तरह बच्चों ये फ्लो नेट्स की डेमोन्स्ट्रेशन थी। और उसके बाद ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने ये जो हाइड्रोलिक हेड है इसकी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का डिफरेंस जो है यहाँ पे हम लोगों ने नोट कर लिया है। ये राउंड अबाउट 60 बनता है और दूसरी तरफ जो है वो राउंड अबाउट 50 के करीब बनता है। तो राउंड अबाउट 10 का डिफरेंस, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का डिफरेंस आ रहा है। सो हमारे पास सैंड की परमेबिलिटी भी है हमारे पास, उसके बाद हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का डिफरेंस भी है हमारे पास। और इसको हम इसका एरिया जो टोटल चैनल का एरिया ये भी हमारे पास है। तो हम सीपीएच रेट जो है वो जब हम इसका मेजर करेंगे तो हम KIA के जरिए हम लोग मेजर करेंगे इसका चैनल का एरिया मल्टीप्लाइड बाय ग्रेडियंट का डिफरेंस, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय इसकी परमेबिलिटी ऑफ द ग्रेवल। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इसका सीपेज रेट फाइंड कर लेंगे। सो एंड ऑफ द डे हम लोगों ने जब सीपेज रेट इसका फाइंड कर लिया देन वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द वेलोसिटी एंड द ग्रेडियंट। मतलब उसका हेड इतना फॉल हुआ तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जब उसका हेड मज़ीद फॉल हुआ तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो इसका टोटल जब आप एनालाइज करेंगे तो आपकी जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन, इनिशियली स्ट्रेट लाइन होगी, इनिशियली जो है वो लैमिनर फ्लो होगा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका फ्लो जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो ये बाद में जब हमने एनालिसिस करके डेटा लेके जब ग्राफ ड्रा करना है तो उसमें हम लोगों ने ग्राफ में ये चीज़ शो करवानी है। तो बच्चों आज का प्रैक्टिकल यहाँ तक ही था। ये ओवरऑल जो है सीपेज की मेजरमेंट यानी डार्सीज लॉ को प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आज के लिए इतना ही। तो होप्स हो कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आएगी। काइंडली हमारे चैनल को, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उसके नंबर ऑफ व्यूज़ भी बढ़ें और आपको लर्निंग भी हो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका।